हाय, पेंटागन अगर दिया होगा क्वेश्चन में, उसके किसी एक पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं तो वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा, और उसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे रेगुलर पेंटागन का, वो हम इस न्यूमेरिकल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार रिपीट हुआ है ये बोर्ड ने क्वेश्चन, इसको रिपीट किया है बिकॉज इट हैज सम लॉजिक कैसे इसको सॉल्व करना है। फोर्सेस ऑफ 2, 4, 6 and 8 kN रिस्पेक्टिवली, चार फोर्सेस है, एक्ट ऑन रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन पे वो एक्ट हो रहे हैं, राइट, एज शोन इन फिगर। यह वो फिगर है, इस पॉइंट पे एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है अलोंग दिस पॉइंट, एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है और एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या निकालना है आपको, आर एंड थीटा। ओके, तो अभी ना ही उन्होंने एंगल्स दिया है, है ना, कुछ नहीं दिया है उन्होंने, बट हमें वो, तुम्हें आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा होगा कि एक पेंटागन में एंगल्स कैसे होता है रेगुलर पेंटागन में। बाहर से अगर हमने देखा तो इसको 70 डिग्री होता है रेगुलर पेंटागन को, ओके, बाहर से। अंदर के साइड में अगर हमने देखा तो टोटल 180 होता है, उसमें से 72 चले गए तो 108 डिग्री होता है, ओके। बाहर से 72, अंदर के दो साइड में 108 डिग्री होता है, ओके। तो हमें एंगल्स यहाँ कैसे कैलकुलेट करना है, एक फोर्स का जो 2 kN है उसको तो 72 मिल गया विद एक्स एक्सिस, बाकी इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में कितना है और इन दोनों के बीच में कितना है वो निकालना है। अगर टोटल 108 डिग्री है, टोटल 108 डिग्री है तो उसको डिवाइड बाय 3 करते हैं, 1, 2, 3, तो वो होता है 3 से करेंगे तो हम 36 डिग्री एंड 36 डिग्री, ओके, ये इसके एंगल्स है। बट हमें क्या चाहिए, या तो एक वाई एक्सिस से एंगल चाहिए या फिर एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, ओके, ये तो इंक्लाइंड है। अभी इस फोर्स को जो 6 kN है उसको एक्स एक्सिस से 36 मिल गया, ठीक है, अभी ये कितना होगा एक्स एक्सिस से, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो वो 72 होगा, राइट, और ये जो फोर्स है इसको तो हमें इस साइड से मिल गया 72 एक्स एक्सिस से, तो इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया और इसका इधर से मिल गया। तो हम क्या करते हैं, अभी पेंटागन को हटाते हैं, सिर्फ वो पॉइंट लेते हैं, समझो हमारा फुटबॉल अभी इस पॉइंट पे है, यहाँ है हमारा फुटबॉल, वो फुटबॉल हम बाहर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है दैट इज 8 kN, राइट, तो अभी लिख लेते हैं इसका साइन क्या आएगा, प्लस, राइट में जा रहे हैं। दूसरा फोर्स एंगल 36 डिग्री है, एंगल कितना है 36 डिग्री, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं हम, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एंगल अभी हॉरिजॉन्टल के साथ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है 6 kN है, कितना है 6 kN, ओके, तो जिसके साथ एंगल है उसको कॉस कंपोनेंट जाएगा, 6 cos हाउ मच 36 डिग्री, 6 sin 36, ओके, दूसरा साइन हो जाएगा, पहला कॉस हो गया। अभी दो फोर्सेस हो गए, अब तीसरा फोर्स लेते हैं 4 kN वाला, x से एंगल कितना है 36 प्लस 36 मतलब 72 समवेयर लाइक दिस, इसका मैग्नीट्यूड है 4 kN, राइट, और एंगल कितना है, एंगल इज ऐसे लिखता हूँ मैं 72 डिग्री, तो इसको रिजॉल्व करते हैं, समझो ऐसे रिजॉल्व होगा वो, या फिर इसको ऊपर ही निकालते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल को क्या जाएगा कॉस जाएगा, राइट, तो यहां लिखता हूं मैं
4 cos 72 और यहां पे 4 sin 72 और तीसरा है इस साइड से 72 मतलब एक ही फोर्स ऐसा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है बाकी सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इधर से 72 ये हमारा एक्स एक्सिस है यहां से 72 डिग्री है तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही है और इसका मैग्नीट्यूड है 2 किलो न्यूटन ओके सो 2 cos 72 यहां पे आएगा 2 sin 72 राइट अब इनके साइन कन्वेंशन क्या आएंगे ये लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस ओके अप में जा रहा है तो प्लस अप में जा रहा है तो प्लस राइट में जा रहा है प्लस ये भी राइट में जा रहा है प्लस ये अप में जा रहा है प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस माइनस प्लस ओके अभी इसको हमें क्या करना है जब हम हमारा काम हो गया अभी रिजॉल्व करने का एंगल भी मिल गया रिजॉल्व भी कर दिया हमने अभी उनका हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब सम करना है ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल कितने हैं फर्स्ट 8 किलो न्यूटन प्लस 8 सब किलो न्यूटन में है तो यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं 8 सेकेंड इज हियर 6 cos 36 प्लस 6 cos 36 थर्ड यहां है 4 cos 72 4 cos 72 फोर्थ यहां है माइनस 2 cos 72 1 2 3 4 4 फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस ओके कैलसी में पुट करते वैल्यूज 8 प्लस इन 6 cos ब्रैकेट में 36 प्लस 4 cos ब्रैकेट में 72 माइनस 2 cos ब्रैकेट में 72 ओके तो ये आएगा 13.47 प्लस में 13.47 किलो न्यूटन प्लस में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विल बी समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस 1 2 3 ये जो है 6 साइन 36 प्लस में है 6 साइन 36 प्लस 4 साइन 72 4 साइन 72 then this is plus 2 sin 72 okay 6 sin 36 bracket close plus 4 sin 72 bracket close plus 2 sin 72 we'll get value in plus summation of f of y is equal to 9.23 kilo newton. Once we get summation of f of x and f of y, we can easily calculate the resultant. Under root summation of f of x ka square, summation of f of y ka square. Under root x is 13.47 square plus 9.23 स्क्वायर तो अंडर रूट में वैल्यू कितना आएगा 13.47 स्क्वायर दैट इज 266.69 जो रिसेंट आंसर आया था मैंने उसका स्क्वायर किया आंसर स्क्वायर देन प्लस 13.47 का स्क्वायर बाद में उसको अंडर रूट में आंसर कर लेते हैं अंडर रूट 266.69
we'll get resultant is 16.33 kilonewton. Don't forget to write kilonewton here, because all forces are in kilonewton, right? Once we get resultant, we have to find out the direction of the resultant. Kaise nikalte direction? Aasan hai. Theta is equal to tan inverse summation of f of y upon summation of f of x. Tan inverse f of y is, we have 9.23 upon f of x is 13.47. Theta is equal to tan inverse 9.23 upon 13.47 is 0.685. अभी हम पुट करते हैं कैल्सियम में, शिफ्ट tan करेंगे तो tan इनवर्स होगा आंसर. We are getting 34.41. आगे 99 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 34.42 degree. So we got theta 34.42 degree. Theta shows the direction of the resultant. इतना मिलने के बाद इस पूरे force system को हमें resultant के साथ show करना है. Okay, last में suppose this is x axis, this is y axis. Minus, plus, plus, minus, right? F of x and f of y are in plus. Summation of f of x and summation of f of y are in plus. So, kaun sa quadrant hai? First quadrant. Plus plus is first quadrant. First quadrant mein ja raha hai resultant. Kitne angle ke saath? X ke saath angle hoga uska 34. Theta is equal to 34.42 degree and resultant hoga 16.33 kilonewton. Okay, hum ek logic laga sakte why this is going in first quadrant, because see here, in first quadrant there are number of forces acting. Pehla force 8 kilonewton wo x axis pe us side mein ja raha hai, dusra 6 kilonewton bhi first quadrant mein hai because angle is 36 less than 90, 72 is less than 90. To teesra force bhi jo hai first quadrant mein hai. To first quadrant mein number of forces hai, to obviously tumhara answer first quadrant mein aana chahiye. To hum answer right hai ya wrong hai yahan pe judge kar sakte hai. Abhi answer right hai kyunki ye first quadrant mein hi jayega, kyunki number of forces are pulling that football in first quadrant. To first quadrant mein hi jayega. Okay, to ye problem important tha Pentagon pe, ये जरूर आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको प्रैक्टिस करो. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. टेक केयर. बाय बाय. सी यू.